नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा जानेंगे। इस अवतार में भगवान शिव ने यज्ञ आदि धार्मिक कार्य के महत्व को बताया है। धर्मग्रंथों के अनुसार कृष्ण दर्शन अवतार वर्तमान में मनु का नाम व्यवस्थेले मनु है, जिन्हें श्राद्ध देव भी कहा जाता है। इनके 9 पुत्र थे, इन्हीं में से एक पुत्र का नाम नभक था। 9वीं पीढ़ी में श्राद्ध देव राजा नभक का जन्म हुआ। श्राद्धदेव नामक मनु के छोटे पुत्र का नाम नभक था। भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। मनुपुत्र नभक बड़े ही बुद्धिमान थे। जिस समय नभक गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उसी समय उनके भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर राज्य का संचालन करने लगे। कुछ समय बाद ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करके आए। उन्होंने देखा कि सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। नभक ने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए हिस्सा दिए बिना आपस में पिता की सारी संपत्ति बांट ली है, इसीलिए आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना भाग प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नभक के भाइयों ने कहा कि वह संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और उस समय हम तुम्हारे लिए हिस्सा निकालना भूल गए। अब पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। भाइयों के यह वचन सुनकर नभक को बड़ा दुख हुआ। वे पिताजी के पास गए और उन्होंने भाइयों के साथ हुई सारी बात की जानकारी दी। श्राद्ध देव ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने यह बात तुम्हें शांत करने के लिए कही है। मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। इस समय गोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक छठे दिन वे यज्ञ में उन पे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधित 2 सूक्त बताओ। यज्ञ समाप्त होने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाएंगे, तब तुम्हें यज्ञ से बचा हुआ सारा धन दे देंगे। पिता की आज्ञा का मानते हुए सत्यवादी नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए और छठे दिन के यज्ञ क्रम में उन्होंने विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ क्रम समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने यज्ञ के अवशेष अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्ग को चले गए। यज्ञ शिष्ट धन को जब नभक ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय सुंदर लीला करते हुए भगवान शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने नभक से पूछा, तुम इस धन को क्यों ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। नभक ने कहा, यह यज्ञ शेष धन मुझे ऋषियों ने दिया है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? कृष्ण दर्शन भगवान शिव ने कहा, बेटा, हम दोनों कि इस झगड़े में तुम्हारे पिताजी ही इसका फैसला करेंगे। वही बताएंगे कि ये संपत्ति किसकी है। जाकर उनसे पूछो और निर्णय लेकर वापस आओ। नभक ने जब अपने पिता से पूछा कि उन्होंने कहा कि पुत्र, ये भगवान शिव हैं, संसार की सभी वस्तुएं इन्हीं की हैं, किंतु यज्ञ शेष धन का केवल भगवान रुद्र का ही अधिकार है। वे तुम पर विशेष कृपा करने के लिए वहाँ आए हैं। तुम इनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो और अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करो। नभक पिता की आज्ञा से वहाँ गए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यह सब आपका है, फिर यज्ञ में बचे हुए धन के लिए क्या कहना, निश्चित ही वह भी आपका ही अधिकार है। मेरे पिताश्री ने यह निर्णय दिया है कि मैंने अनजाने में यह सब कहा था, इसके लिए कृपा मुझे क्षमा करो। भगवान कृष्ण दर्शन बोले, नभक, तुम्हारे पिता के धर्मानुकूल निर्णय और तुम्हारी सत्यवादिता से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व के उपदेश के साथ इस यज्ञ का सारा धन देता हूँ। यह कहकर भगवान रुद्र अंत ध्यान हो गए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।